हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन का चार्जिंग टेस्ट। जी हां, इसमें 120 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिलती है Xiaomi हाइपर चार्ज, जिसको कंपनी बोलती है, जिससे ऐसा क्लेम है कि 20 मिनट में ये जो स्मार्टफोन है 0 से 100% तक चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्मार्टफोन का यहाँ पर बैटरी लेवल चेक करा देना चाहता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिस्चार्ज ये है फिलहाल। और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है इसके साथ आने वाला ये मैसिव 120 वॉट का चार्जिंग डॉक। तो चलिए इसको मैं प्लग करता हूँ और इसी के साथ यहाँ पर हम चार्जिंग पर भी इसको लगाते हैं। जैसे अब इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हो चुकी है, मैं यहाँ पर टाइमर को स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं 20 मिनट बाद, देखेंगे कि 20 मिनट में क्या वाकई ये फुल चार्ज हो जाता है या नहीं। तो दोस्तों, लगभग 10 मिनट हो गए हैं, यानी कि 20 मिनट में अगर ये फुल चार्ज हो जाता है तो देखते हैं 10 मिनट में क्या 50% हुआ है। जी हाँ, 50 ही नहीं बल्कि 53% स्मार्टफोन जो है वो चार्ज हो चुका है। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 54% हो गया। इनफैक्ट ये देखिए, मैं सेटिंग्स खोल के भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एक वाइडर व्यू मिल जाए। ये देखिए 55% चार्ज। उम्मीदें तो हैं कि ये जो स्मार्टफोन है ये हमारे टेस्ट में पास हो जाएगा, बाकी 20 मिनट पूरा होने के बाद ही देखेंगे। दोस्तों, 20 मिनट पूरा होने में केवल 5 सेकंड्स हैं और मैं एकदम से इसको अनप्लग करने वाला हूं यहां से। ये देखिए, मैंने अनप्लग कर दिया है, 20 मिनट पूरे हो गए थे, टाइमर को रोकता हूं और बैटरी हुई है नहीं दोस्तों, 100% तो यहां नहीं हुई है, यहाँ बैटरी हुई है 90%। ये देखिए बैटरी परसेंटेज, हम ये 90% है, आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। सो विच मीन्स कि 100% तो नहीं, हाँ, लेकिन 20 मिनट में अगर आपका फोन फुल्ली डिस्चार्ज है, जैसा कि मैंने इसको किया हुआ था, तो 90% तक आपका फोन 120 वॉट के हाइपर चार्ज से यहाँ पर चार्ज हो जा रहा है। बाकी कंडीशंस डिपेंड कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सब बिल्कुल डिस्चार्ज से फोन को चार्ज पे लगाएंगे, एटलीस्ट 1-4% की बैटरी के साथ तो लोग चार्जिंग पे लगाती हैं, मेरी तरह स्विच ऑफ करने का वेट नहीं करते हैं, तब जरूर ये 95 से 100% के बीच चार्ज हो सकता है। तो ये तो मैंने टेस्ट किया है, अगर आपने ये स्मार्टफोन परचेज कर लिया या करने वाले हैं तो टेस्ट परफॉर्म कीजिएगा और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कुछ डाउट या कमी पेशी रह जाती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।